हे गाइज, आज हम इनर वाली पैंट की कटिंग करेंगे। ये मैंने टू फोल्ड कर लिया है और जो इनकी वेस्ट है वो है 36 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा होएगा, ये आगे बेल्ट आ जाएगी, 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और ये 10.5 इंच मैंने क्रोच एरिया ले लिया है आसन के लिए, 10.5 इंच। और ये है टोटल, ये थाई है वो है 24 है तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा 13 इंच। तो ये हमने टोटल इंच ले लिया है और ये है इसका मिडल पॉइंट, 6.5 इंच पे हो जाएगा। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 37 इंच। तैयार करेंगे हम इसको। ये मैंने सभी निशान लगा दिए हैं। ये 2.5 इंच हम नीचे से लेंगे, ये फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग करेंगे हम। ये हमारे बैक पोर्शन की निशान लग चुके हैं, ये हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच ज़्यादा और 2 इंच यहाँ से ज़्यादा लेंगे और 2 इंच यहाँ से ज़्यादा लेंगे। ये बैक पोर्शन के निशान हो चुके हैं, अब इसकी भी कटिंग कर देते हैं। ये हमारा फ्रंट और बैक कट चुका है और ये है पॉकेट देंगे हम, 12 इंच की पॉकेट होगी लेंथ, और ऊपर से लेंगे हम 6.5 इंच और नीचे से 7 इंच लेंगे। और राउंड में इसकी कटिंग कर दी है मैंने इसकी, ये हमारी पॉकेट हो गई। अब इनर की कटिंग करेंगे। हे गाइस, ये मैंने इनर की कटिंग भी कर ली है, अब इसको स्टिच करेंगे और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कैसे लगी। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये गाइस, हमारा इनर अटैच हो चुका है ये, और ये मैंने क्रोच एरिया में सिलाई लगा दी है ये बैक पोर्शन की। और ये फ्रंट एरिया की, और ये मैंने डार्ट्स भी डाल चुकी हूँ, डार्ट्स भी लगा दी है और क्रोच एरिया की सिलाई कर ली है मैंने। अभी इस पे ऊपर बेल्ट लगाऊंगी और इसमें प्लास्टिक डालेंगे। हे गाइज, हमारी पैंट रेडी हो चुकी है बनने के बाद, कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। ये बैक पोर्शन हो गया, प्लास्टिक वाली हो गई। रेडी हो चुकी है पैंट बिल्कुल।